अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम। आप देख रहे हैं खूबसूरत पाकिस्तान चैनल। खूबसूरत पाकिस्तान चैनल की जानिब से आज हम आए हैं जनाह पार्क में और यहां पे रेंडमली हम लोगों के इंटरव्यू करेंगे और उनसे कुछ सवालात, मज़े के सवालात पूछेंगे। और चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ से हैं? सरगोधा से। आप? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। तो ये बताएँ, मेरे भाई की शादी हुई? नहीं नहीं, भी शादी। शादी शुदा? नहीं सर, मेरी नहीं। गैर शादी शुदा? जी सर। ये बताएं कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आपने फ़ौरन में शादी करनी है, तो आप कौन से मुल्क को पसंद करते हैं कि आप उससे? नहीं, हम आउट ऑफ कंट्री को नहीं पसंद करते, हम अपने पाकिस्तान से। अपने पाकिस्तान को पसंद करते हैं। आपके ख्याल में शादी जो है वो अपनों में करनी चाहिए या अपनों से बाहर करनी चाहिए? अपनों में करनी चाहिए। अपनों में करनी चाहिए। वजह? वजह यह है कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। अपनों में कुछ थोड़ी बहुत हो भी जाए तो एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। तो परायों में फिर वो थोड़ी सी होती है बात। अच्छा भाई, आप इसे इत्तफाक करते हैं? जी जी, मैं भी कह रहा हूँ जे अपने से करनी चाहिए, लेकिन जे हालात जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई अमीर मिल जाए तो मैं तो कर लूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कह रहे हैं अपने हों या पराए हों चलेंगे, लेकिन अमीर होने चाहिए। ठीक ठीक है, जिस तरह वो हैं ठीक, तो अमीर होने चाहिए। अमीर तो वो अमीर हो तो हमारी के नौकरी है, हम भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ज़बरदस्त भाई के जो है ना, वो कह रहे हैं कि लिटल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला इशू है। तो ये जो है ना, भाई कह रहे हैं कि शादी जो है ना, हम ज़रूर करेंगे, किसी ऐसे घर से करेंगे जो तकड़ी सामी हो। ठीक है। अच्छा भाई, अपनों में शादी के आपने नुकसानात बताएं और फ़ायदे भी बताएं। कुछ जो मेडिकली भी ये आ रहा है सामने कि आपने वो करना है कि शादी कज़नों में नहीं करनी। रोमर्स हैं लोगों ने बनाए हुए कि अपनों में शादी करेंगे तो जीन्स का इशू होगा और कज़न में प्री मेच्योर पैदा होंगे बच्चे, ये वो, इस तरह का क्या ख्याल? नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं होता सर जी। तो ये होता है कि अपनों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि अपना खून होता है, अपने कोई मसला हो वो अपना फ़ायदा होता है। मतलब कि ये होता है कि कोई मसला छोटा मोटा हो, अपनी नस्ल बढ़ती है, ठीक है। बाहरली नस्लों से फिर ये होता है कि पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई ने बड़ा खूबसूरत सा वो जो ना हमें आंसर किया कि अपने जो होते हैं वो अपने ही। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, कहाँ से आ रहे हैं? जी हम पेशावर से आए। पेशावर से घूमने फिरने, गैदरिंग कर? जी बिल्कुल, हम क्लास की ट्रिप थी, हम आए थे, सोचा कोई घूम ले। क्लास की ट्रिप थी, कौन सी क्लास में? हम अभी यूनिवर्सिटी में हैं, फोर्थ सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी लाइफ जी रहे हैं जी भाई। अच्छा, कुछ आपसे प्रैक्टिकली कुछ सवाल पूछेंगे, आपने जो ना दिल से जवाब देना है। ये बताएं कि शादी जो है वो अपनों में ठीक रहती है या परायों? बस शादी हो जाए काफ़ी है आज। अच्छा, शादी हो जाए काफ़ी है? नहीं, वैसे अगर आपको चांस दिया जाए भाई तो फिर? तो वो डिपेंड करता है ना, मैंने बता दिया आजकल के हालात ऐसे है कि बस हो जाए काफ़ी है। हो जाए काफ़ी है। हाँ। अच्छा भाई, आपका नाम? यार अमान। अमान भाई कहाँ से? पेशावर से। यार पेशावर से, तो आप भी इन्हीं की तरह की सोच के मालिक हैं या कुछ आपकी डिफरेंट है? मेरी भी यही सोच है यार। आपकी यही सोच है, तो ये कहना गलत नहीं है कि आप यहाँ सर्च करने के लिए आए या वैसे घूमने फिरने? नहीं नहीं, वैसे घूमने फिरने आए हम यहाँ। अच्छा, और आप भाई कहाँ से? मैं भी सोवाबी से हूँ, लेकिन पेशावर में रहता हुआ अभी यूनिवर्सिटी में। आपका पूरा मतलब वो ट्रिप आया हुआ? ट्रिप पे आए हैं। तो सारे ट्रिप में एक ही सोच सवाल जो है ना रख के आए हैं कि यही आंसर करना है हमने कि जो मिल जाए। नहीं जी जी, बिल्कुल होनी चाहिए, प्राय में होनी जी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, नहीं रे सर आगे आ जाइए, थोड़े से आगे हो जाए। अच्छा जी, क्या नाम है भाई का? शायान। शायान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर से हैं जी? बिल्कुल। अच्छा भाई, ये बता दें, हमारे सारे व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं, ये बताएं कि शादी जो है वो बाहर करनी चाहिए, आपका ख्याल है बाहर क्यों करनी चाहिए? देखिए, अपनों में अपने टाइम गुजारा होता है, अपनों को आपको हर एक चीज़ पता होता है, तो अपनों में करके क्या थोड़ा टेस्ट चेंज करना चाहिए ना, थोड़ा बाहर जाना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, नहीं उसके फ़ायदे नुकसान भी हैं कुछ? नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि जैसा कि अपनों में होगी तो कोई या मामू की बेटी होगी या फूफो की बेटी होगी, तो हमें अपने मामू फूफो का पता है, हमने तो करनी नहीं है, बाकियों का पता नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी भाई जी, उसके अलावा एक ये मसला होता है कि मेडिकली जो है, हाँ मेडिकली दिखाएं जरा, बड़े मेडिकली एक बायो पढ़ के बायो पढ़ के आए हैं भाई, और वो बायो में आंसर देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, असल में मेडिकली जो होता है उसमें काफ़ी मसला आता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अक्सर नॉर्मल होते हैं। दैट्स अ पॉइंट जो मैं मतलब व्यूअर्स को
ये बताना चाह रहा था कि बहुत से मेडिकली भी लोगों का ख्याल है और लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अगर शादी हो जाए अपनों में तो ये होता है प्रीमेच्योर कंडीशन पैदा होती है और उसके बाद कजन्स में काफ़ी रोले भी होते हैं, तो आपका ये ख्याल है कि आउट ऑफ फैमिली करनी चाहिए ज़बरदस्ती। अच्छा भाई आपका आप हम ख्याल हैं या आप मुख्तलिफ ख्याल हैं? नहीं मैं तो इसकी तरह हूँ, घर से बाहर। खानदान से बाहर या घर से बाहर? खानदान से बाहर। खानदान से बाहर। अच्छा यही मेडिकली या कोई और रीज़न भी? मेडिकली भी है और इसी तरह जो है ना कि हमारे सबको पता होता है खानदान का, तो एक ही बात होती है। जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। मैं फैसलाबाद से। यहाँ पे क्या करने आए? जी इंजॉय करने आए। इंजॉय कर रहे हैं? शादी शुदा? जी जी शादी शुदा है। माशाल्लाह से कितना अर्सा हुआ है? जी 2 साल हो गए शादी को। जी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए शादी को? जी जी। और शादी अपनों में की है या प्रायों में? जी अपनों में की है। अपनों में शादी करके खुश हैं? जी खुशी हैं, मतलब दिल से खुश हैं। दिल से ठीक है खुशी। आप आंसर ये कर सकते हैं कि अपनों में शादी करके और प्रायों में शादी करके क्या उनमें फ़र्क है और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या राय है? मेरी राय भाई यही है, अपनों में शादी करनी चाहिए, ठीक है। अपनी शादी में ये होता है रात चलो कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो अपने में थोड़ा हो जाता है, ठीक है। जो गैर में ये होता है शादी करके कोई थोड़ा मसला बन जाता है तो गैर होते हैं, ठीक है, तो इशू ना बन जाए। अच्छा तो अपना मेरे ये रहा यही तो यार अपनी शादी उधर अपने में करना चाहिए। शादी अपनों में करनी चाहिए। आप भाई आप इनके साथ हैं? जी जी ये मैं इनके साथ आया हूँ। आप इनके साथ हैं? जी जी साथ हूँ। शुरू से साथ हैं? शुरू से ही हमारी दोस्ती है, आप यही समझ लिया कि हमारे शुरू से हम दोनों दोस्त हैं, जिधर जाएँ योग पार्क में जाए जिधर भी हम साथ ही जाते हैं। तो ये बताएँ कि भाई ने इजहार किया जो आप उससे इतफाक़ करते हैं या डिसएग्री करते? जी जी बिल्कुल मैं इतफाक़ करना चाहिए, भाई ने जो कहा है बिल्कुल मतलब ठीक बोला। आप लाउडली बोलें, आप जो है ना बिल्कुल कैमरे के सामने बोलें। अच्छा। कि आपने इनसे इतफाक़ किया है या आपकी मुख्तलिफ राय? जी जी बिल्कुल इनकी बात पे इतफाक़ किया है, बल्कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई? भाई यही कह रहे हैं यार शादी तो अपने भी करनी चाहिए, ज़ाहिर है हमारे रिश्तेदार होते हैं तो इस वजह से। ज़बरदस्त। अच्छा इन दोनों का ख्याल जो है ना वो बिल्कुल सेम है कि शादी अपनों में करनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ज़बरदस्त। कहाँ से? मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से। छोटा सा रैंडमली सवाल है आपसे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शादी जो है वो अपनों में करनी चाहिए या गैरों में, तो आप किसको प्रेफर करें? गैरों में करनी चाहिए। गैरों में करनी चाहिए, क्यों? अपनों को सारे राज पता होते हैं ना। अपनों को सारे राज पता होते हैं। अच्छा आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं तो शादी आपने अपनों में की है या प्रायों? मैंने घरों में की है। बिल्कुल। आपने घरों में की है और तभी सजेस्ट कर रहे हैं कि घर। अच्छा घर ठीक होते हैं? हाँ बहुत अच्छा। कुछ फ़ायदे नुकसान भी अगर आप बताना चाहें तो? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं होता, बस मुझे तो यही लगता है अपनों को सारी बातें पता होती है, घरों को पता नहीं होती तो आपको कोई ताना नहीं दे सकते। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा कितना अर्सा हुआ शादी को? मेरी शादी को 1 साल होने वाला है। तो फैमिली जो है ना वो यहीं पे है या? यहीं पे है। क्वीट है हस्बैंड? केयरिंग है? हाँ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं? तभी आप कह रहे हैं कि अपने ठीक होते हैं? नहीं गैर ठीक होते हैं। गैर ठीक होते हैं। अच्छा चलें बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने का। अभी हम आपको मोस्ट एक्सपीरियंसेबल बंदे से मिलाना चाहते हैं। यंगेस्ट का तो हमने ले लिया इंटरव्यू और उनकी राय जितनी भी थी वो भी हमने कलेक्ट कर ली है। अभी हमारे साथ एक मोस्ट एक्सपीरियंस हैं, उनसे पूछते हैं और उनकी राय जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? मैं मानसेरा से हूँ। मानसेरा एपटाबाद से। अच्छा सर आप फैमिली के साथ आए हैं, आपकी बड़े कीमती राय दरकार है हमें, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जो शादी है वो अपनों में करनी चाहिए या गैरों में करनी चाहिए? अच्छा ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। अपनों में भी कुछ फ़ायदे हैं, मतलब ये है कि अगर अपनों में होगी तो वो एडवांटेज ज़्यादा हैं, गैरों का पता नहीं चलता कि वो किस तरह की फैमिली है, बाद में प्रॉब्लम तो होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत शुरू में जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए, चाहे आप फैमिली में करें या आउटडोर दूसरी शादी में दूसरी फैमिलीज में करें, लेकिन यह है कि शादी से ख़ासकर जब आप किसी बच्ची का शादी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी सोच विचार करनी चाहिए। ज़बरदस्त जी इनका अंकल का ख्याल जो है वो ये है कि शादी जो है ना वो अपनों में करनी चाहिए, क्योंकि उनको हम बेसिकली जान रहे होते हैं और उनकी सारे हमें अच्छाइयों बुराइयों का पता होता है, और जो बाकी आउट फैमिलीज़ होती हैं उनका तो हमें पता नहीं होता कि कौन कहाँ कैसे हैं। तो ज़बरदस्त जी आपकी राय हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ मेडिकली जो है ना कुछ लोगों का ये इशू है कि भाई मेडिकली कज़न्स में शादी हो। जी हाँ वो रिपीटेड मैरिज जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती, उसमें मेडिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो
बेहतर यही है कि चेंज करके करें, लेकिन वो जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा देखभाल के करनी चाहिए। आप अपने घर का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि आपके बच्चों ने जो शादी अपनों में की है या गैरों में? नहीं, हमारे बच्चों में मिक्स शादियाँ की हैं। मिक्स शादी अपनों में भी की हैं, गैरों में भी। दोनों को आपने वो किया है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा प्रोग्राम में कई लोगों की राय आपने सुनी जानी कि कोई कहते हैं घरों में शादी करनी चाहिए, कोई कहते हैं अपनों में शादी करनी चाहिए, अपनों के ये फ़ायदे ये नुकसान। तो मेरी भी एक राय है, ठीक है, खूबसूरत पाकिस्तान की तरफ से, कि शादी करनी चाहिए, चाहे वो गैर हो चाहे वो अपने हो। और अपना गैर कोई नहीं होता, जब आप रहते हैं आपके दिल में प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम एक दूसरे के लिए होता है तो वो गैर भी अपने हो जाते हैं। कई दफ़ा जो ये चीज़ें नहीं होती तो आपके अपने भी गैर बन जाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, पॉइंट इज दिस, कि शादी करनी चाहिए, ठीक है।